अस्सलाम वालेकुम, मैं आज आपके साथ एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर हाज़िर हूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने बहन भाइयों के लिए आसानियाँ पैदा हों और उनको अल्लाह में आसानी अता फरमाए। जब भी आप उम्रा करने जाएं या हज करने जाएं, तो कुछ मालूमात ऐसी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। मैं बहुत कम लोगों को देखती हूँ जो वो ऐसी मालूमात शेयर करते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि ये नक्शा है, पूरे हरम का नक्शा है। ये वहाँ पे हरम में बनाया गया आपको आसानी के लिए, ताकि आपने जहाँ जाना हो, जिस जगह जाना हो, आपको पता हो कि किस जगह पे कहाँ से आप जा सकते हैं और किस जगह से आप एंटर हो सकते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं नक्शे में, पूरा मुकम्मल हरम का नक्शा दिया गया है, जिससे आप सबके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। इसके नीचे जो मालूमात दी गई हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, यहाँ पे नीचे इसके बारे में बहुत तफसील से मालूमात भी लिखी हुई हैं। ये उन्होंने बताया हुआ अंता हुना यू आर हेयर, यानी कि आप यहाँ पे हैं। अब यहाँ दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है मसल्ला लिल सुम वल बुकुन, यानी कि डेफ एंड डम प्रेयर एरिया, यानी कि जो लोग सुन और बोल नहीं सकते उनके लिए ये वाली जगह है। यहाँ पे वो निशानात बना दिए गए हैं ताकि उनके लिए आसानी हो। व्हील चेयर वालों के लिए भी जगह का निशानदेही की गई है और व्हील चेयर की एंट्रेंस की जगह के लिए भी निशानदेही की गई है। अब बाबू रईसा यानी कि मेन डोर, इससे शो किया गया है। एस्केलेटर के आप देख रहे हैं कि निशानात इससे शो किए गए हैं। बस स्टेशन का शो किया गया है। अब आप दूसरी जगह पे आ जाएं, ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है वॉशरूम्स फॉर मैन, वॉशरूम्स फॉर वुमेन। अब वज़ू की जगह, वज़ू निसा औरतों के लिए वज़ू की जगह, सेफ डिपॉज़िट, लॉस्ट गाइडेंस सेंटर। अब मैं आपको एक और बात ऐसी बताऊंगी कि जिससे बहुत से लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे हर चीज़ के लिए उन्होंने कुछ अलामात, कुछ निशानात बना दिए हैं, ताकि आपको इन सारों के बारे में पता चल जाए। हरम लाइब्रेरी भी है यहाँ पर, आप उधर भी जा सकते हैं। ब्रिज है यहाँ पे, रैम है। अब आप इस साइड पे आएँ, नक्शे के नीचे बाएं तरफ, यहाँ पे लिखा हुआ है अल मकसद। ये वो ऐप है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपके साथ जो भी ख़वातीन और हज़रात आपके ग्रुप में हैं, उन सबको भी कहिए कि अल मकसद ऐप डाउनलोड करें, क्योंकि इस ऐप के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। इस अल मकसद ऐप के ज़रिए आप कहीं भी हों, आपका साथी गुम हो जाए या पता ना चल रहा हो कि वो किस जगह पे है, तो ये ब्लूटूथ के ज़रिए ऐप चलता है। इसके लिए नेट की ज़रूरत नहीं है। आप पाकिस्तान से ही डाउनलोड करके चले जाएं, वहाँ पे आप इसको ब्लूटूथ के ज़रिए ऑन करें। अगर आपको अपने साथी का नहीं पता, तो वो इंशाल्लाह इस ऐप के ज़रिए वो वहाँ पहुँच जाएगा और उस साथी को भी इस ऐप की मदद से पता चल जाएगा कि उसने कहाँ जाना है। आप उसको बता सकते हैं कि मैं इस जगह पे खड़ी हूँ, आपको एग्जैक्ट जगह का पता चल जाएगा कि आप किस जगह पे खड़े हुए हैं। तो प्लीज़, जब भी आप उम्रा करने जाएं या हज करने जाएं, तो इससे पहले आप अल मकसद ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए और आपके साथी के लिए भी आसानी हो जाए।